न्यूज बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2022 के लिए जारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रत्याशियों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहरी क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने की खुशी में नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के निर्देशन में उनके प्रतिनिधि मनीष जायसवाल की अगुवाई में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने नगर में पटाखे फोड़कर उत्सव मनाया। बीजेपी ने मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक रितेश गुप्ता को टिकट दिया है। टिकट के ऐलान के बाद मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करते हुए अग्रिम चुनाव में भारी मतों से जीत का भरोसा देते हुए इलेक्शन को पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया। अपने पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं केंद्र के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है और मुरादाबाद की नगर सीट से मेरे को पुनः प्रत्याशी बनाया है। मैं मुरादाबाद की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मेरे को उनके बीच में भेजा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार की जीत पिछली जीत से भी बड़ी जीत होगी। खबर मेरठ से है। बहुजन समाज पार्टी के सिवाल खास विधानसभा सीट से प्रत्याशी मुकर्रम अली उर्फ नन्हे प्रधान ने बसपा सुप्रीमो का 66वां जन्मदिन मनाते हुए 66 किलो का केक काटा। बता दें सिवाल खास विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर की स्थिति बनती नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने मनिंदर पाल का टिकट फाइनल कर दिया है जबकि गठबंधन ने अभी तक अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लगातार अपने दांव पेच चलते नजर आ रहे हैं जहां उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का 66वां जन्मदिन मनाते हुए 66 किलो का केक काटा। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि दलित मुस्लिम गठजोड़ सीधे तौर पर उन्हें जिताने का काम करेगा, वह जनता की सेवा करने का काम करेंगे। क्या कुछ कहा है मुकर्रम अली उर्फ नन्हे प्रधान ने, इसको जरा सुनिए। कहां मुस्लिम हितैषी है? मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान समाजवादी के लीडर भी हैं, समाजवादी पार्टी उनकी कदर भी करती थी जब वे बाहर थे। अब कहां उनका हित कर रही है समाजवादी पार्टी? कहां अखिलेश जी कहां बोलते हैं उनके बारे में? कहां उनका कुछ सहयोग कर रहे हैं? सर, मुस्लिम प्रत्याशी अब आप ही हैं इधर, तो क्या लगता है कि जो गठबंधन का जो इनका सपा से गठबंधन है तो मुस्लिम वोट किधर जाने का? मुस्लिम वोट हमें मिलेगा। मुस्लिम वोट हमसे बहुत प्यार करता है, हम मुस्लिमों से बहुत प्यार करते हैं। सारी सिवाल विधानसभा सीट में जितने भी मुस्लिम हैं वो सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं मुस्लिमों से बहुत प्यार करता हूं। मैं 1995 में प्रधान बना था, जब से आज तक फिर दोबारा कोई चुनाव में नहीं लड़ा हूं और जब से आज तक मैं समाज सेवा कर रहा हूं। खाली मुस्लिमों के वोट पर ही जीत पाएंगे? खाली मुस्लिमों की वोट क्यों मिलेंगी? मुस्लिमों की वोट भी दूसरे कैंडिडेटों को जाएंगी और दूसरे समाजों की भी वोट हमें मिलेंगी। वो तो हमारी मतलब मुस्लिम समाज की वोट भी कुछ वोट मुस्लिम समाज की भी अलग जाएंगी और कुछ वोट अदर समाज की भी हमें मिलेंगी। तो सर, मौजूदा चुनाव को देखते हुए ग्राउंड लेवल पे आपकी तैयारी क्या है? ग्राउंड लेवल पे हमारी तैयारी ये है कि मैंने आपसे बताया मैं 25 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, तो जो 25 साल से मैंने कमाया है आज तक मेरी छवि पे कोई दाग नहीं है। किसी का लेके ना दिया हो, किसी के साथ गलत काम करा हो, कोई मेरे ऊपर कोई पुलिस केस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी छवि ऊपर वाले ने आज तक की उम्र में 55 साल की मेरी उम्र है, मेरी छवि ऊपर वाले ने आज तक साफ सुथरी रखी है, ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। बुंदेलखंड के झांसी में घुसपैठियों और पुलिस व एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें कई राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद पुलिस ने 3 घुसपैठियों को पकड़ने में सफलता हासिल की जबकि 2 भागने में सफल हो गए। तीनों बांग्लादेशी घुसपैठिए बताए जा रहे हैं जिनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में न्यूज बुलेटिन इंडिया की टीम ने झबरेड़ा विधानसभा के कुछ गांवों का दौरा किया और 2022 चुनाव को लेकर लोगों की राय जानी कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का विधायक झबरेड़ा की जनता देखना चाहती है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अजीम, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन इंडिया। आज न्यूज बुलेटिन इंडिया की टीम झबरेड़ा विधानसभा के नगला कुबड़ा गांव में पहुंची है ये जानने के लिए कि चुनावी माहौल यहां पर क्या है।
सभी पार्टियां अपने प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। नगला कुबला में किस तरह का माहौल है झबरेड़ा विधानसभा को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद उस्मान। उस्मान जी, माहौल क्या है इस बार 2022 का? 2022 का माहौल जो हम देख रहे हैं अपने गांव में नगला कुबड़ा में, लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2022 में 2012 में यहां से माननीय हरिदास जी विधायक थे, तो उनके टाइम में लोग बहुत सुकून से अपना जो है ना गांव में किसी तरह के कोई झगड़े फसाद उन्होंने नहीं कराए, और उनका कार्यकाल 2012 फसाद नहीं कराए हरिदास जी 2012 में यहाँ से बसपा से हरिदास जी विधायक बने। आज उनके सपुत्र आदित्य ब्रजवाल को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। उस्मान जी का कहना है कि कभी कोई झगड़े फसाद नहीं हुए। और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, किस तरह का माहौल है यहाँ? बीएसपी का है सब पूरा। बीएसपी का क्यों? यहाँ बीजेपी के 2017 में विधायक बने देसराज कर्णवाल जी, और कांग्रेस भी जोर शोर से अपना प्रचार कर रही है। ऐसा है, मेन बात यह है कि उस टाइम पर जो वो जो कैंडिडेट खड़ा था वो कुछ सही था नहीं आया था, तो इसलिए अभी का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य ब्रजवाल ही इस सीट पे उम्मीदवार है और इसी सीट पे जीत के जाएंगे। आदित्य ब्रजवाल जीत कर जाएंगे। आप क्या नाम है आपका? रजत कुमार। रजत जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं झबरेड़ा में? माहौल तो यहाँ बीएसपी का ही है, क्योंकि एक तो जो प्रत्याशी है पढ़े लिखे है, बहुत अच्छी सोच सूझ बूझ गए हैं, और LLB की हुई है, थोड़ी उन्हें नॉलेज भी अच्छी है उसमें क्षेत्र में। LLB की हुई है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, कुछ लोगों का कहना ये है। क्या नाम है आपका? उदय सिंह। उदय जी, ये लोग कह रहे हैं कि आदित्य ब्रजवाल के पक्ष में माहौल है, पढ़े लिखे हैं, आपका क्या कहना है? ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अब की बार आदित्य ब्रजवाल जी के पक्ष में माहौल है, और वो गरीब आदमियों की हेल्प भी करते हैं, उनके पिताजी ने भी बहुत गरीब आदमियों की हेल्प की है, और इस बार BSP से उनको टिकट हुआ हुआ है, उनके बेटे को हरिदास जी के, बहुत अच्छा लड़का है, हर रुख हर छोटे बड़े आदमी का सम्मान करता है। छोटे बड़े आदमियों का सम्मान करते हैं आदित्य ब्रजवाल, युवा हैं, उनके पिताश्री जो हरिदास जी हैं विधायक रहे हैं वो भी लोगों का सम्मान करते थे, इनका कहना ये है। क्या नाम है आपका? अब शब्बीर। शब्बीर जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं विधानसभा झबरेड़ा में? विधानसभा झबरेड़े में हम बसपा का जीतने का उम्मीद कर रहे हैं, क्यों कि उनके पिताजी ने पहले विधायक रह चुके हैं और अब उनके लड़के हैं, जिन्हें जिनके पिताजी ने कानून देख लिए, तो उनके लड़के भी कानून सही कर सकते हैं। कानून सही कर सकते हैं, युवा चेहरे हैं, उनके पिताजी भी यहाँ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद है। क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार। अंकुर जी, क्या कहेंगे आदित्य ब्रजवाल? सबकी का कहना यह है कि युवा चेहरा है, आपका क्या कहना है? आदित्य ब्रजवाल जी जो है फिलहाल युवा हैं, और उन्हें नॉलेज है, कानून के नियम भी जानते हैं अच्छे, और पहले से भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि दो बार उनके पहले से रिकॉर्ड क्या है उनका? उनके जो पापा हैं वो हरिदास जी दो विधायक रह चुके हैं यहाँ पे, और जनता जानती भी है, और उन्होंने देख भी रखा है हमने कि कैसे जनता जानती है उन्हें, और जाने पहचाने चेहरे हैं, आपका क्या कहना है? मोहम्मद फरहाद जी, बहुत अच्छा। हमारा कहना है ये अच्छे और सबके दुख सुख में काम जाते हैं, बस नहीं है। कुछ हमारे साथ लड़कियां भी मौजूद हैं, आपका वोट है इस बार? अभी वोट नहीं हुआ किसी आपका वोट है? पहली बार वोट बनाया है आपका? वोट बनाया पहली बार वोट करें जी, कैसा लग महसूस करेंगे पहली बार वोट डाल के? बहुत अच्छा, एक्साइटेड। कैसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं आप? अच्छा, जो जैसे हाँ वैसे ही। अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे, अभी पहली बार इनका वोट बना है। अभी हम नवला कुबड़ा में थे, देखना एक साथी हमारे साथ और आए हैं। माहौल है झबरेड़ा विधानसभा में? माहौल तो खराब है, ये कोई ऐसा विधायक बनता ही नहीं जो गरीबों को देखे यहाँ पे आगे क्षेत्र में विधायक हैं। इनका कहना है कि बसपा देखती है सबको? नहीं, बसपा देखती है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ विधायक ऐसा बनाओ जो काम भी करे गरीबों के लिए, बसपा का बने या कांग्रेस का बने ये ना आना चाहिए भाजपा वाला। बस भाजपा से नाराज है? भाजपा कुछ करती है? भाजपा से नाराज है या विधायक से नाराज है? भाजपा ही बेकार है, विधायक तो है ही है जैसा है, वो तो गांव में बढ़ता भी नहीं कहीं आगे, विधायक नहीं घुसते आगे यहाँ पे देसराज कर्णवाल जी।
तो ये थे हमारे साथ नगला गुबला गांव के कुछ लोग, जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ बसपा का, इस गांव में बसपा का के प्रति माहौल बना हुआ है। आदित्य ब्रजवाल एक युवा चेहरा है, इसलिए उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। आगे दूसरे गांव में जाकर देखेंगे क्षेत्र में कि क्या माहौल है। अभी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है लाठर देवा शेख गाँव में आई है, जो झबरेड़ा विधानसभा में पड़ता है। लोग यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि माहौल किस तरह का है। क्या नाम है आपका? तौहीन। 2022 चुनाव चल रहा है, किसके पक्ष में माहौल है? कांग्रेस है, यहाँ तक कांग्रेस ही सर। कांग्रेस के यहाँ से विधायक है देशराज कर्णवाल जी, उनका क्या है? कुछ नहीं, ये कर ही नहीं, कुछ कुछ नहीं किया देशराज कर्णवाल जो विधायक है यहाँ पर बीजेपी के, उन्होंने कुछ नहीं किया। कि यहाँ साथ युवा साथी हैं, क्या माहौल किसका है? कांग्रेस का है। तो पक्का कांग्रेस एक तरफा। 5 साल से यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक जी हैं देशराज जी, 5 साल में अब आगे उन्होंने 3-4 सड़कों का जो है वो किया है, लेकिन अब 5 साल से यहाँ नहीं है। 5 साल से नहीं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है? कांग्रेस के पक्ष में पूरा। आपका क्या? पूरा ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ये लोग सभी कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका क्या कहना है? कांग्रेस के इसमें जी, कांग्रेस जी। एक युवा साथी बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। ये भाई किसके पक्ष में माहौल है यहाँ पे? फिलहाल तो कांग्रेस ही है। बसपा के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पक्ष बसपा के माहौल में है, और यहाँ फाइट जो है बसपा और कांग्रेस की दिख रही है। बसपा तो बस दिखावा कर रही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ चाय की चुस्की पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। एक युवा साथी और है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहबाज। शाहबाज भाई, माहौल किसके पक्ष में है इस बार? कांग्रेस के। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है यहाँ। आपका क्या नाम है? सुधीर। सुधीर जी, माहौल झबरेड़ा विधानसभा में किसके पक्ष में है? माता जी भीम आर्मी के। भीम आर्मी, कौन है कैंडिडेट? जितेंद्र प्रमुख। जितेंद्र प्रमुख जी पहले शख्स मिले हैं जो भीम आर्मी का भी जिक्र किया है उन्होंने। एक युवा साथी और मौजूद है, क्या नाम है? नदीम अहमद। नदीम भाई, माहौल किसके पक्ष में? माहौल तो देखो, यहाँ से 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, पर उत्तराखंड का शोषण ही हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। विधानसभा झबरेड़ा का आप हाथ देख लो, तमाम विधानसभा में गड्ढे गड्ढे हो, ना तो किसी ने विकास किया और ना कोई करेगा, हमें पूरा भरोसा है इस चीज़ का। तो किस पे विश्वास जताएगी इस बार? अब की बार तो झाड़ू चलेगी, और जो कीचड़ है ना जहाँ कमल खिलता है, पार्टी और झाड़ू चलेगी। इनका कहना है कि झाड़ू इस बार विधानसभा झबरेड़ा में झाड़ू चलेगी, कीचड़ साफ करेंगे, कमल को खिलने नहीं देंगे। और कांग्रेस ने जो है ना, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान को यूज किया, मुसलमान का कोई भला नहीं किया आज तक। कांग्रेस ने कोई मुसलमान का भला नहीं किया, इस बार झबरेड़ा में झाड़ू चलेगी और कमल को कीचड़ में खिलने नहीं देंगे, इन लोगों का ये कहना है। आगे और कहीं चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि सर्दी कितनी है, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम झबरेड़ा विधानसभा में घूम रही है और माहौल जानने की कोशिश कर रही है कि किसके पक्ष में माहौल है। कुछ युवा साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज जी, चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह का माहौल है झबरेड़ा विधानसभा में? भीम आर्मी का। भीम आर्मी, कौन है इसके प्रत्याशी? जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई के पक्ष में माहौल है जी। और युवा साथी मौजूद है, क्या नाम है आपका? फिरोज भाई। फिरोज भाई, किसके पक्ष में है माहौल यहाँ? आप कुछ कहना नहीं चाहते, क्या कहेंगे आप? एएसपी का माहौल है, आजाद समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी, आपके यहाँ से 2017 में बीजेपी के विधायक बने, उनके बारे में क्या है? आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है? एएसपी, तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। लगभग विधानसभा का हमने दौरा किया, 3-4 गांव का दौरा किया, वहाँ पर माहौल जो है कोई एएसपी कह रहा है, कोई बीएसपी, लेकिन बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं आदित्य ब्रजवाल, उनके पक्ष में ज़्यादा लोग मिले हमें देखने के लिए। अभी माहौल बीएसपी के पक्ष में है, आने वाले कुछ दिनों बाद क्लियर पता चलेगा कि झबरेड़ा की जनता किसे स्वीकार करती है और किसको अपना विधायक बनाकर विधानसभा भेजती है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, झबरेड़ा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत एटा सदर विधानसभा 104 से प्रियंका गांधी की तरफ से गुंजन मिश्रा को सदर सीट 104 के लिए दावेदार घोषित किया गया। इसको लेकर गुंजन मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने। इस दौरान क्या कुछ कहा गुंजन मिश्रा ने, देखिए। सियासत की लड़ाई खत्म होने की जो कवायद होती है वो दरअसल तब होती है जब मतपेटियाँ खोली जाती हैं, और मतपेटियाँ खोलने का सिलसिला अमूमन हर 5 साल बाद आता है।
देखना ये है, ये जनपद एटा 104 विधानसभा पर हूँ, यादव का गढ़ कहा जाता है लेकिन बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। आज मैं मौजूद हूँ एक ख़ास मेहमान के साथ, गुंजन मिश्रा जी जो कि लड़की हैं, लड़ सकती हैं, घोषित किया गया प्रियंका गांधी द्वारा उनको। सबसे पहले मैम स्वागत है न्यूज़ मीडिया में आपका। जी जी नमस्ते। कैसे महसूस कर रही हैं आपको 104 विधानसभा के लिए यहाँ से विधायक पद के लिए चुना गया? मैं बहुत खुश हूँ, प्रियंका दीदी ने मुझे इस योग्य समझा और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या लगता है 2022 के मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? 2022 के मुद्दे भैया ये हैं कि बेटियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, बेटियों युवाओं का शिक्षित होना, बेरोजगारी है उसको दूर की जाएगी और हमारे एटा में शिक्षा का अभाव है। देखा जाता है कि एटा जो है सदर सीट ये बीजेपी के हाथ में है, और क्या कुछ रहा विकास एटा में विधायक जी द्वारा? क्या यहाँ की जनता उनके विकास से खुश है? उनके विकास से खुश तो नहीं है भैया। क्या लगता है कि अगर आपको भर भर झोली वोट मिलता है, जब मतपेटियां खोली जाएंगी, हो सकता है किस्मत भी खोली जाए आपकी, तो क्या आप एटा के जनता के लिए, उनके वादों पर, शिक्षा कर, स्वास्थ्य के लिए हर तत्पर खड़ी रहेंगी? जी मैं खड़ी रहूंगी, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए मैं तत्पर खड़ी रहूंगी। क्या कुछ उद्देश्य रहेंगे 104 विधानसभा और प्रदेश के चुनाव के लिए कि कैसे लड़ना है, क्या वादे होंगे? तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी विगुल फूंक रही हैं, नए नए वादे कर रही हैं, तमाम ऐसी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं जो पिच के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन होगा मुख्यमंत्री 2022 का? क्या बाबा जी सत्ता वापसी करेंगे या अखिलेश भैया चाचा के साथ सत्ता बनाएंगे? आपको क्या लगता है? भैया दीदी ही आएंगी, ये सुनामी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाएं सशक्त हैं। तो कैसा लगा ये एक उनका नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पे कैसा गर्व महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बोलती हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और मैं अपनी बहनों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि वो डरे नहीं, मैं उनके साथ हूँ और मुझसे ऊपर दीदी मेरे उनके साथ हैं। 2022 नज़दीक, मतपेटियों का भरने का समय आ चुका है, कुछ दिन बाद मतपेटियां खुलेंगी, नेताओं की किस्मत खुलेगी, अब देखना यह है कि किस नेता को भर भर झोली किस्मत खुलती है। और हर चुनाव अमूमन हर 5 साल बाद आता है, नेताजी कहते हैं कि आय दुगनी करेंगे, विकास लाएंगे, अब देखना यह है कि किस नेता को भर भर झोली किस्मत खुलती है, और हर चुनाव अमूमन हर 5 साल बाद आता है, नेताजी कहते हैं कि आय दुगनी करेंगे, विकास लाएंगे, रोजगार लाएंगे, तो क्या लगता है इस बार रोजगार आप लाएंगे? जी भैया रोजगार लाएंगे, स्वरोजगार लाएंगे, ये आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, आशा बहुएं हैं, सबको 10-10 हज़ार रुपये का मानदेय होगा, और शिक्षक जो हैं उनके लिए विशेष है। माना जाता है कि तमाम राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम धर्म समुदाय की राजनीति कर रहे हैं, आपकी पार्टी की लीडर जो ये कहती हैं कि प्रेम का चुनाव होना है, किसी ने भी मतलब किसी ने भी महिला को किया है, किसी ने महिला सीट दी है किसी को? प्रियंका दीदी का यही विश्वास है और मैं उनको जीत दिखाऊंगी। माना जाता है कि आपकी पार्टी के लीडर ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके साथ अत्याचार हुआ है। जी जी हाँ भैया, जैसे लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है उन लोगों को ही दिया है, क्योंकि माँ जानती है। लीडर का मानना यह है कि उनकी बुलंद आवाज़ करनी है, जिनकी दवाई, जिनकी आवाज़ दबाई गई है, हमारे समाज में दबाई जाती है, हमारे प्रदेश में दबाई जा रही है, उन सब की आवाज़ को वो खुद लड़ेंगी, वो खुद संसद जाएंगी और जाकर अपनी आवाज़ बात रखेंगी कि हमारे साथ ये काम हुआ है। कहती हैं कि बिजली का बिल माफ़ होगा, यूनिट कम आएगा, आपका क्या कुछ रहेगा 2022? बहुत महंगाई है, बिजली का बिल भी माफ़ होगा, और कोरोना काल में जिन लोगों का वो हुआ है तो उन कोरोना काल में बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, बिल्कुल। कोरोना काल 2 साल, कोरोना काल प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं और ओमिक्रोन का भी लगातार खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में कैसे आप जनता को, अपने एटा वासियों को जागरूक करेंगे अपने पित खींचने को? भैया मैं घर घर जाकर सबसे बात करूँ, घर घर जाकर मिलूंगी और जनता से यही अनुरोध है, जनता को आपको कहीं ना कहीं जिताना चाहिए क्योंकि लड़की हैं, लड़ सकती। जी जी हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी दिखाना है कर जो नेताओं ने अब तक नहीं दिया, जो अभी तक नेताओं, किसी नेता ने नहीं किया, किसी नेता ने आज तक टिकट ही नहीं दी है,
वो हमारी प्रियंका दीदी ने 40% महिलाओं को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है, मैं उनके साथ हूँ और प्रियंका दीदी के आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या कुछ रहा उनका एक अल्टीमेट नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? जी भैया, आज क्या सोचा उन्होंने उन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ और वो भी महिला है और मैं भी महिला हूँ। मेरा मुद्दा है भैया, मैं मतलब एटा की ये जनता है, एटा के बच्चे हैं, युवा हैं, एटा की बेटियां हैं, इनको इतना शिक्षित किया जाए, एटा में मतलब सरकारी स्कूल इतने अच्छे चलें जो हमारे बच्चे बचपन से लेके अच्छा सीखें, अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। 5 साल सरकार के हो गए, सरकार के नुमाइंदे विधायकों के भी पूरे हो चुके हैं। हाँ। बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग की, बात करूं मेडिकल की लाइन की, तो अपने जनपद एटा 104 जो सदर सीट कहा जाता है, इसमें अभी तक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो दूसरे राज्य, दूसरे जिले, दूसरे मंडल में भेजा जाता है। इस पर आप क्या काम करेंगे? मैं कोशिश करूँगी मेरे एटा में ही इतनी व्यवस्थाएँ अच्छी हो जाएँ जो बाहर जाना ही नहीं पड़े किसी को। आप सीधे तौर से कहना ये चाहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो काम करूँगी जो सरकार ने अब तक और उनके विधायकों ने नहीं, जो उनके विधायकों ने नहीं किया है, मैं वही काम करूँगी और सारी व्यवस्थाएं ऐसी रखूँगी मेडिकल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल से आप क्या एक मैसेज संदेश देना चाहती हैं उन बेटियों को जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, जिनको आगे बढ़ने से रोका जाता है? मैं उन बेटियों को यही बोलूँगी, मैं उनके साथ हूँ, दीदी में उनके साथ हैं, प्रियंका दीदी उनके साथ हैं। तस्वीरें देखी जाती हैं किसी भी बेटी या किसी गरीब के साथ कोई भी अत्याचार होता है, दीदी आपकी आगे आती हैं, रोका जाता है, लेकिन हर संघर्ष करती हैं। दीदी संघर्ष करती हैं, दीदी आगे जाती हैं, उन्नाव है, अपना हाथरस है, देखो आप कितना कि पहली पहल कांग्रेस की, बाद में दूसरे नेता। जी जी, पहली कांग्रेस की है और प्रियंका दीदी की है और उन सभी महिलाओं को दीदी ने टिकट भी दिया है और वो सब आगे जाके अपनी बात रखेंगी। देखा जाए तो प्रशासन द्वारा थानों में, कोतवाली जेलों में मौत हो जाती है। जी हो जाती है, मौत हो जाती है, मार दी जाती है। कहा जाता है कि भाजपा को लाना है तो गुंडा मुक्त कराना है। जी जी हाँ हाँ जी, भाजपा को लाना है और गुंडा मुक्त कराना है। नहीं भैया, भाजपा को लाना है तो आप पत्रकार हैं, कुछ दिन पहले ही वो अभी न्यूज हुआ था तो आप लोगों के साथ ही बहुत बदसलूकी हुई थी, भाजपा वालों ने ही की थी। अरे आप लोग एक पत्रकार की पिटाई लगा रहे हैं, ये भाजपा वालों का ही था। सवाल आपसे हमारे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से एटा के 104 विधानसभा वासियों के लिए क्या एक संदेश देना चाहिए? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं एटा विधानसभा से यही अनुरोध करूँगी, आप एक मौका दिया, एक बार मुझे मौका दें और फिर मैं सबके साथ हूँ। हमारे साथ खास मेहमान गुंजन मिश्रा जी थी, जाना इनकी बातों को, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और इनका ये उद्देश्य रहेगा कि क्या इस बार 104 विधानसभा की मतपेटियां खुलने के बाद किस्मत खुलेगी और किस्मत खुलने के बाद जनता क्या खुश रहेगी। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया एटा। सीतापुर में विधानसभा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस जुटी हुई है। इसी को लेकर जिले में डेरा डाले अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने का संदेश दिया जा रहा है। सदरपुर, सरगांव और पिसामा पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ रूट मार्च निकालकर भयमुक्त माहौल में मतदान करने का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आने वाले विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए थाना भोगनीपुर पुलिस की तरफ से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देश में पुलिस दस्ता टीम की तरफ से चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 1,45,000 रुपए बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना रूरा पर पंजीकृत गैंगस्टर के एक अभियोग में एक वांछित अपराधी है, जिसकी विवेचना थाना अध्यक्ष गजडेर द्वारा की जा रही है। उसमें एक 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसका नाम जियालाल सन ऑफ फुंदी लाल है, उसे गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे बाइक सवार तीन बदमाशों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन बाइक सवार बदमाशों को रोकने का इशारा किया। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ मौजूद उसके साथी मौके पर भागने में सफल रहे। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। राठ थाना अंतर्गत डकैती, लूट, SC ST गैंगस्टर आदि विभिन्न मुकदमों में वांछित अपराधी दिनेश जखा, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, इसके बारे में एडिशनल SP को यह जानकारी मिली कि आज वह अपने साथी नरेंद्र बफरेटा और रोहित के साथ राठ थाना अंतर्गत लूट की घटना कारित करने वाला है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान जब इसको रोकने का इशारा किया गया तो बड़ा गांव मोड़ के पास इसके द्वारा फायर किया गया, जो एडिशनल SP के बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। इसके पश्चात पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई। औरैया के अजीतपल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की तरफ से चुनाव के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक मोपेड से आते हुए व्यक्ति को पुलिस ने प्रतापपुर के पास रोका, जिसके पास से एक बोरी बरामद हुई, जिसमें पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजा बरामद किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना अजीतमल में आज जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें पुलिस बल जो है प्रतापपुरा के पास में चेक कर रहा था। इसमें एक व्यक्ति उधर से मोपेड में आते हुए दिखाई पड़ा, जिसमें एक बोरी लादे हुए था। पुलिस द्वारा रोका गया, इसमें उसने बताया कि इसमें कुछ अवैध चीज, इसमें पता चला कि गांजा है, जिसमें मुझ क्षेत्राधिकारी को अवगत कराया गया। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा और चेक किया, इसमें पता चला कि इसमें अवैध गांजा है। इसको तत्काल पूछताछ करते हुए थाने लाया गया। इसमें कुछ जो अवैध गांजा प्राप्त हुआ इसका वेट कराया गया, तो ये लमसम 25 किलो प्राप्त हुआ। थराली विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त के चलते अभी तक वो अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई, तो वहीं अभी तक कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी हाईकमान निश्चिंत था कि पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम की उम्मीदवारी पर कोई चुनौती नहीं है। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के तीन सक्रिय कार्यकर्ताओं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश शंकर त्रिकोटी, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि संदीप पटवाल और पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष प्रताप राम ने संयुक्त रूप से अपनी अपनी दावेदारी को हाईकमान के सामने प्रस्तुत कर पार्टी में खलबली मचा दी है। महेश शंकर त्रिकोटी ने कहा कि वो सभी कांग्रेस के सिपाही हैं और उन्होंने राज्य बनने के बाद से ही अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन हाईकमान ने हमेशा आगे अवसर देने का आश्वासन देकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनावी का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हमेशा जो प्रत्याशी रहा है वो धुरपट्टी से रहा है। जो 2008 से हम लोग देख रहे हैं, लगातार 2008 से मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से काम कर रहा हूँ और हमारा यही मानना है कि आज विधानसभा थराली जो है वहाँ युवाओं की काफ़ी चाहत है और हम चाहते हैं कि वहाँ से किसी युवा चेहरा को प्रत्याशी बनाया जाए। हम उसका स्वागत करते हैं, उनका पार्टी हाईकमान ने उनको जो है एक दलित चेहरा बनाया है प्रदेश उत्तराखंड का, और हमारा मानना है कि वो स्वागत योग्य है। हाईकमान को आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो क्षेत्र में परमानेंट रहते नहीं हैं। वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उस विधानसभा को चलाते हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में पद में। हमने उनको बहुत दफ़े कहा भी, हम तो संगठन के लोग, कि भाई आपको अगर क्षेत्र की सेवा करनी है, हमने उत्तराखंड का जो हमारा आंदोलन था हमने इसलिए मांगा था कि इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ और जनप्रतिनिधि जनता के साथ 24 घंटे हो। हम तीनों एक संयुक्त रूप से पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि हम तीनों लोगों ने भी आवेदन किया है, ड्राफ्ट लगा करके ICC को भेजा है। जो अभी मौजूदा हालात थराली विधानसभा के हैं उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है और अभी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अच्छे मतों के साथ वहाँ से सीट निकाल सकती है, लेकिन इस ओर हाईकमान जरूर ध्यान आकर्षित करें कि जो हम तीन लोग दावेदार हैं इन लोगों की भी बात सुनी जाए। रुद्रपुर विधानसभा चुनाव को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था को कायम रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलभट्टा पुलिस ने 10 अवैध तमंचे, कारतूस, 10,000 की नकदी समेत 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने पति, पत्नी और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा SSP उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने अपने कार्यालय पर किया। पुलभट्टा पुलिस SO
मैं अन्य कर्मचारियों के ये बड़ा नगरी पड़ता है यूपी बॉर्डर पर, वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे तो हमारे पुलिस ने 10 तमंचे जिसमें 3 हैं 12 बोर के और 7 हैं 315 बोर के, 22 कार्टेजेज हैं जिसमें 14 हैं आपके 12 बोर के और 8 हैं 315 बोर के। इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है जिसमें 1 महिला है 2 पुरुष हैं। महिला गीता देवी है, उसका पति राकेश कुमार है और इनका जो एक गाड़ी भी बरामद हुई है इको कार है और इस इको कार का जो ड्राइवर है मतलूब खान वो भी अरेस्ट हुआ है। इस प्रकार से 3 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं और इस पिछले साल अभी तक की जो सबसे बड़ा अभी तक खेप इस उधम सिंह नगर में बरामद हुई है। चमोली में धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट सहित 11 अन्य पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बीजेपी जिला कार्यालय में बिना अनुमति के बैठक करवाने के मामले में कांग्रेस संगठन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मामले की शिकायत की थी। उत्तराखंड में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं जिससे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी काफी खौफजदा हैं। यही वजह है कि अब छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षाएं स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई छात्र विद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया है। कल शाम जैसी गढ़वाल विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में रहने वाली भागीरथी हॉस्टल में 4 लड़कियां, उनकी रिपोर्ट जैसे ही कोरोना पॉजिटिव हम लोगों के बीच ये सूचना पहुंची। आज हम लोग सब यहाँ पे, हमारा छात्र संघ का पूरा प्रतिमंडल और आर्यन छात्र संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों की परीक्षा नियंत्रक से ये मांग थी कि जितने भी बीटेक और एमबीए में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो स्थगित किए जाएं जब तक पूर्ण रूप से स्थिति साफ नहीं हो जाती है विश्वविद्यालय के भीतर। और एक बड़ा सवाल विश्वविद्यालय के पास हम लोगों का ये भी है कि महिला छात्रावास में छात्राएँ किस तरीके से उनको प्रवेश दिया गया बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के। आज सभी छात्र छात्राएँ हरिद्वार जिले से भी गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर आ रहे हैं क्योंकि एग्जाम कुछ दिनों में होने वाले हैं। तो इस कोरोना काल में जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना अपनी चपेट में छात्रों को ले रहा है, अपनी चपेट में पूरे राज्य के लोगों को ले रहा है, तो हमारी मांग, प्रमुख मांग ये है कि इस परिस्थिति में जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो परीक्षाएं तुरंत तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाए, ये हमारी प्रमुख मांग। ऋषिकेश में सोमेश्वर नगर अपर में फिर से तेंदुए की धमक होने लगी जिसकी वजह से क्षेत्र के निवासी दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं तेंदुए की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। क्षेत्र निवासियों ने वन विभाग के रेंज कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। चेतावनी भी दी है कि अगर वन विभाग के अधिकारियों ने जल्द सक्रियता दिखाते हुए तेंदुओं को पकड़ने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्रीय निवासी वन विभाग के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखो, सूचना मिलने पर तो मतलब जो है कल जो है रात को एटीएम को भेज दिया गया था और आज जो है आप लोग सामने आए तो आपने बताया कि 11 बजे के लगभग आ रहा है, 3-4 बजे के बाद वो लौट रहा है। तो आज हम ये करेंगे कि पूरी टीम लेके मैं स्वयं भी जो है 10 बजे जो है मौके पे पहुंच जाऊंगा, उसके अनुसार उसका अध्ययन कर लेंगे तो आगे की कार्रवाई तब शुरू कर दी जाएगी। प्रॉब्लम सर ये है कि मैंने आज रात के टाइम की बात है तो बेटी पड़ोसी बैठे हुए थे, पड़ोसी ने बताया रात को कि ऐसे करके बाद में हमें बाघ देखा है। तो मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, कैमरे में चेक किया, कैमरे में चेक करने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में ही बाघ था और बाघ ऐसा बहुत बड़ा बाघ है कि रात भर वो ही रहा है। तो मैंने वन विभाग को अपने फोटो वोटो भेजी है तो वो वन विभाग वाले भी 8 बजे करीब आए हैं, 8 बजे उन्होंने एक बम फोड़ा, बम फोड़ के चले गए, उसके बाद वो नहीं आए बम के। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में राजनीतिक गर्माहट काफी तेज हो गई। इस बार राजनीति की आग हवा देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी, उन्होंने बीजेपी हाईकमान पर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय चेहरे को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाया। उनका साफ कहना है कि पैराशूट प्रत्याशियों की वजह से आज तक ऋषिकेश विधानसभा का विकास नहीं हो सका। मांगे तो मैं आप लोगों को सबको बता ही चुका हूँ, मांगे ये रहेंगी कि भाई आज तक 73 के बाद जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कोई लोकल विधायक नहीं हो पाया। स्थानीय विधायक का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने घर का दर्द अपने पेरेंट्स को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने घर वाले को ही होता है। तो जो शहर का आदमी होगा उसी को यहाँ का दर्द पता होगा कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप पार्टी से इस्तीफा भी देंगे और पार्टी से बगावत भी नहीं करेंगे? नहीं। तो कैसे उनका आपको दर्द क्या एहसास होगा? आप लोगों के माध्यम से हो जाएगा कि जो आज की प्रेस है, आप तो चौथा स्तंभ है यार भारत का, इस देश के। अगर आप लोग नहीं इसको यहाँ तक पहुँचा सकते, दिल्ली तक इन बातों को और देहरादून तक और कहीं भी नहीं पहुँचा पाएंगे, तो फिर आप लोगों का भी तो अस्तित्व खतरे में है।
आप लोग तो माध्यम है ना, आप ही लोगों के माध्यम से तो सब कुछ हुआ करता था पहले, तो आज भी आप लोग उसी अपनी फॉर्म में लौट जाइए या अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा दर्द कि यार सच में सच सच सच्चाई भी जिंदा रहनी चाहिए, सच्चाई मरनी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा इतना कहना है। बंगलौर में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, इसके बाद भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैरोई सत्र शुरू होने के बाद किसानों की समस्या भी बढ़ने लगी। लिबे बिरही डीम उत्तम शुगर मिल में मिल प्रबंधक की लापरवाही के चलते मिल गेट पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते गन्ना फैक्ट्री में डालने आए किसान के पशुओं की मौत हो चुकी है। कीचड़ और जलभराव के कारण किसानों को फैक्ट्री में गन्ना डालने में भारी दिक्कत हो रही है। मिल प्रबंधक की लापरवाही के चलते किसानों में भारी रोष है। यहाँ से व्यवस्था खराब है कदई मिल की, किसी भी किसान को कदे कोई सुविधा नहीं है जरा सी भी। यहाँ से माना यहाँ एंटी करा, ये भी कायल करा हाँ, ये देखो पानी की कब भरा हुआ, आप उनका जाकर देखो भाई, किसान की तो बहुत बुरी हालत हो रही। किसी में कहने वाला कोई नहीं है ना सुनने वाला कोई है। माना हम भी माना कहाँ भी जाकर जी हमको मिट्टी ओली दे अपना चलता कर दो। किसान एक तो खेत में से इतना गन्ना मेहनत कर ला रहा है, खेत में से गन्ना नहीं निकल रहा, मील में यहाँ से ऐसा हाल हो रहा है, कहीं को पैर धर के जा नहीं सकते, अगर पैर कहीं धरे तो जूतों में गारा भर जा। झोटा बुग्गी वालों को हालत कर दी, अब उधर कोई झोटा भी कोई मर गया, बम बम टूट गई, क्या हुआ सही तो आदमी भी मरा, एक कल मरा एक आज मरा। तो भाई इन्हें मिल वालों को हमें कहना चाह रही है भाई, किस इस क्षेत्र से ये फैक्ट्री को इतना लाभ हो रहा है, कई करोड़ रुपए लगा रही, तो क्या किसानों का क्या, जो भी मिल में ही लग रहा है अगर ये पैसा लगाओ, लाइन सही रखो, झोटा बुग्गियों की लाइन सही रखो, तो जो जितना रुपा कमा के ले जा रहे इस फैक्ट्री में, तो इस क्षेत्र के किसानों की वजह से ही तो ले जा रहे। तो हमारा तो मिल वालों को कहना जो है भाई ऐसा सही करवा लो, अन्य फिर धरने प्रदर्शन होंगे, यहाँ से दिक्कतबाजी होगी, फिर कल को कहेंगे भाई यहाँ से तो किसानों ने धरना कर दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।